नमस्कार। नमस्कार, आप किस गांव के हैं? अंग सिंह के, मुकाम पोस्ट अंग सिंह। आपने अपने खेत में क्या क्या पेरनी की है? अभी सोयाबीन है, तुअर है, हल्दी है। अच्छा, तो आपने क्या इसमें बीज प्रक्रिया की थी? बीज प्रक्रिया की थी RPS 76 की। हाँ, सोयाबीन अभी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, कैसे क्या बीज प्रक्रिया की थी आपने? बीज प्रक्रिया एक थैली को 50-60 मिली लगाए थे हमने। अच्छा, तो आपको क्या फर्क दिखा बीज प्रक्रिया करने से? बीज प्रक्रिया करने से तुअर कहीं की जली नहीं। हाँ, और दूसरी बात, सोयाबीन की जो क्वालिटी है, पत्ता बड़ा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है सोयाबीन की। अच्छा, तो क्या आपका पिछले साल या उसके पिछले साल तुअर जल जाती थी क्या? तुअर जल जाती थी, ये साल में ऐसा कुछ अभी रीजन दिखा नहीं। हाँ, मगर अब ये साल में बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी तो समझो सिर्फ बीज प्रक्रिया ही करे, उसको फवारनी, अभी स्प्रे मारने का रहा। अच्छा, तो इस औषधि के आपको RPS 76 के रिजल्ट कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे RPS 76 के रिजल्ट। अच्छा, आपको ये RPS 76 के बदले में माहिती किसने दी थी? ये हमारे वाशिम वाले नालेगांव सर है और हमारे भगत सर है। और यहाँ पे आपके शेख सर, शेख दाऊद सर भी है ना? दाऊद सर है, हमारे जीजा है, वो हमारे दाऊद सर है, उन्होंने ये करे पूरा। हाँ, चलो अच्छी बात है। और आप इसमें जो अभी कीटनाशक की फुहारनी है और ये जो बाकी फुहारनी है, तो RPS 76 के अलावा जो बाकी के प्रोडक्ट हैं, तो क्या आप उनको यूज करना पसंद करेंगे? नहीं, अब तो कोई यूज करना है नहीं, अभी ये पूरा साल इस पर ही करके देखना है। RPS पे ही करना है? RPS पे ही करना है। अच्छा, तो ये ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपको रिजल्ट अच्छे आए? अभी तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिख रहे। अच्छा, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।